राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं डीपी पारिक आप सभी का करौली जिले के पांचना डैम से एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज 24 अगस्त सुबह की आप सभी को राम राम। दोस्तों, करौली जिले में, भरतपुर में, सवाईमाधोपुर जिले में, इन जिलों में पिछले कुछ से 3-4 दिनों से अच्छी बारिश हो रही है। कल 23 अगस्त को जिले में कुछ स्थानों पर भारी बरसात जो है वो हुई है, और उसी के चलते पांचना डैम में पानी की आवक जो है वो एक बार फिर से बढ़ रही है। करौली जिले का पांचना डैम एक बार फिर से छलकने लगा है, और इसी के चलते पिछले कुछ दिनों से गंभीरी नदी में एक बार फिर से पानी की निकासी जो है वो की जा रही है। लगातार पिछले 5-6 दिन से एक गेट ओपन था, लेकिन कल से डैम के 2 और फिर शाम को 3 गेट ओपन किए गए थे। कल 23 अगस्त की मैं बात करूँ तो सुबह 2 गेट ओपन किए गए 3.5 घंटे के लिए, और फिर शाम के समय 2 घंटे के लिए 3 गेट डैम के ओपन किए गए। आज रात में, यानी कल 23 अगस्त रात में, कई स्थानों पर अच्छी बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं, सूचनाएं भी आई हैं। आज सुबह जब हमने प्रशासन से बात की तो उन्होंने बताया कि आज 24 अगस्त को सुबह सुबह डैम का एक गेट आधे घंटे के लिए खोल दिया गया, क्योंकि रात में पानी की आवक जो है वो हुई है, और इसी के चलते दोपहर में पानी की जो निकासी है वो और भी बढ़ाई जा सकती है। प्रशासन ने बताया कि दोपहर के बाद डैम के 2 या 3 गेट ओपन किए जा सकते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो रही है, इसी के चलते गंभीरी नदी में लगातार पानी की निकासी जो है वो की जा रही है। भरतपुर के जो हमारे साथी जुड़ रहे हैं, उन्होंने बताया कि अब गंभीरी नदी का पानी भरतपुर को पार करते हुए यूपी तक पहुँच गया है। भरतपुर में भी कई स्थानों पर जो डैम बने हुए हैं उन सभी में 10 से 12 फीट तक पानी भर गया है, और उनका पानी भी जो है ओवरफ्लो हो गया है। कल शाम तक डैम की जो क्षमता है 154 मीटर रखी गई थी। मैं आपको बता दूं कि करौली के पांचना बांध की कुल भराव क्षमता 258.62 मीटर है, जिससे कल शाम तक 254 रखा गया था। सॉरी, मैंने शायद 154 बोल दिया, 254 मीटर रखा गया था। दोस्तों, हमारे कुछ साथी जो हैं उनका कहना है कि आप लाइव नहीं आते, तो मैं उनको बता दूं कि ये जो जानकारी मैं ऐड कर रहा हूं पूरी प्रशासन से बात करके की गई है, और लाइव आने की बात है तो हम संडे को लाइव आएंगे और तब आपको यहां से लाइव जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। डेली लाइव आना और डेली यहां जा पाना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है। भरतपुर के जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे एक बार फिर से पूछना चाहेंगे कि आपके यहाँ पानी का स्तर कितना है, और अब गंभीरी नदी जो है वो कहाँ तक पहुँच चुकी है। दोस्तों, करौली के पांचना डैम की अगर मैं बात करूँ तो ये राजस्थान के करौली जिले में 5 नदियों के संगम पर 1978-79 के अंदर बनाया गया था। यह बालू मिट्टी से बना एशिया का सबसे बड़ा बांध है, जिसमें 5 नदियों का पानी आके गिरता है। इसे अमेरिका के सहयोग से बनाया गया है, और 1989 के अंदर इसका कमांड एरिया गया जो है वो बढ़ाया गया था। इसमें 5 नदियों भद्रावती, भैंसावर, अट्टामाची और बरखेड़ा का पानी जो है वो आकर गिरता है, और इन्हीं के संगम पर अरावली हिल्स के बीचों बीच इस डैम को बनाया गया है। दोस्तों, 24 अगस्त की संपूर्ण जानकारी की अपने शाम को फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अन्य डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों,